जयपुर में कल रात दो लड़कों की बाइक आपस में टकरा गई, दोनों एक ही समुदाय के थे और जब झगड़ा करने लगे तो बीच बचाव करने के लिए कुछ लोग आए, झगड़ा बढ़ गया और उसमें एक युवक की जान चली गई। आज जब उसकी खबर लोगों तक पहुंची तो एक समुदाय विशेष के सारे लोग एक पूरे इलाके में सड़कों पर आ गए, वहां रास्ता जाम कर बैठ गए। राजस्थान की सरकार ने भी जो जिस मृत युवक है उसके परिजनों को 50 लाख की सहायता और नौकरी और बेरी बूथ का भी ऐलान किया है। ये दोनों चीजें सवाल खड़ा करती है। सवाल ये खड़ा करती है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद 7,700 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है, तो क्या राजस्थान की सरकार इस तरह की जो मुआवजा राशि सब लोगों को जारी कर रही है, क्या इसमें भी राजस्थान की सरकार भेदभाव नहीं कर रही है, क्या किसी की जान जाने को भी राजस्थान की सरकार वोट से तोड़ रही है, क्या राजस्थान की सरकार चुनाव देखकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए 50 लाख का कंपनसेशन दे रही है, क्या 7,700 से अधिक परिवार जिनके निर्दोष परिवारजनों की हत्या इस सरकार के दौरान हो चुकी है, क्या उन सब के साथ की सरकार का इसी तरह का व्यवहार था। दूसरी तरफ जो लोग एक घटना पर जो कि कानून व्यवस्था का मामला है उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई उसको लेकर पूरा शहर जाम करके बैठे हैं, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्या शहर का माहौल खराब करने का अधिकार ऐसे लोगों को देना चाहिए। शहर की व्यवस्था बनाए रखने का काम राजस्थान की सरकार का है और सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए बजाय वोट बैंक की।